हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए कॉमर्स की सीरीज की। इसमें हम 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ओवरऑल, और डेली हम इसमें 25 क्वेश्चंस लेते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, तो अभी तक आपने वो सारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं इनकी एक सेपरेट से 1000 सीरीज के नाम से एक अलग से प्ले लिस्ट बना दूंगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। आप लोग आ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आ जाइए। देखिए, क्वेश्चन लेते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी बाय द डायरेक्टर्स इज नेसेसरी इन केस ऑफ। अब डायरेक्टर के द्वारा अगर ये डिक्लेयर किया जा रहा है सॉल्वेंसी के लिए कि कंपनी सॉल्वेंट है, तो वो किस कारण होगा? कंपल्सरी वाइंडिंग अप पे, मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप पे, क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप पे, या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताइए। देखिए, ये ऑल ऑफ द अबव होगा इसका राइट आंसर। कंपलसरी वाइंडिंग अप, मेंबर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, या क्रेडिट वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, कुछ भी हो सकता है। हर कंडीशन में ये एक डिक्लेरेशन देनी होगी डायरेक्टर को कि हमारी कंपनी ने सब जितने भी पे थे वो सब, जितने भी डेट या लाइबिलिटीज थी, सब पे कर दी हैं। अब कंपनी के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है और अब कंपनी सॉल्वेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिक्लेरेशन के बाद वो अपना वाइंडिंग अप कर सकते हैं, फिर वो वॉलेंट्री हो, कंपलसरी हो, या फिर किसी मेंबर का हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द मिनट्स ऑफ अ मीटिंग आर साइन बाय। अब जो मिनट्स होते हैं जो कि मीटिंग्स में लिए जाते हैं, वो किसके द्वारा साइन किए जाएंगे? चेयरमैन, सेक्रेटरी, डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर? करिए आंसर। देखिए, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चेयरमैन के द्वारा। ये चेयरमैन साइन करके देगा जो भी मिनट्स लिए जाएंगे मीटिंग के अंदर, जिससे क्या है, वो जो भी मिनट्स होंगे वो यहाँ पर एक तरह से ऑथराइज होंगे कि हाँ, ये ही डिस्कशन मीटिंग के अंदर हुआ था, या ये पॉइंट डिस्कस किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, The first auditor in a company limited by shares may be appointed by the directors. बताइए, जो first auditor है company का, company limited by shares का, वो किसके द्वारा appoint किया जाएगा? क्वेश्चन ये है, जो फर्स्ट ऑडिटर है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का, वो अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टर के द्वारा, तो वो टाइम पीरियड आपको बताना है। विद इन अ ईयर ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन, बिफोर द स्टैट्यूटरी मीटिंग, एट अ टाइम ऑफ फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग, या फिर एट एनी टाइम इन कंसल्टेशन विद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, यहां पर आप ना ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि अगर इस तरह का जो अंशों द्वारा श्रीमित लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी होती है, उनके जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, वो फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंट जो है, वो जो भी इनकी जर्नल मीटिंग होती है उसके 6 मंथ्स के अंदर कर देते हैं, जबकि 6 मंथ्स का यहाँ पर कोई भी वो नहीं दे रखा है ऑप्शन। तो आप लिख लीजिएगा कि 6 मंथ्स के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे ही ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज 2, 3, 7 एंड 5। यानी कि हमें बताना है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स की मिनिमम नंबर को। बताइए,
देखिए, अगर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और प्राइवेट कंपनी का नोट कर लीजिए, प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए कम से कम, ठीक है। नेक्स्ट है, अ पर्सन एट एनी वन टाइम कैन नॉट बी डायरेक्टर ऑफ मोर देन 1 कंपनी, 7 कंपनीज, 10 कंपनीज या 2 कंपनीज। यानी कि एक पर्सन एक समय में डायरेक्टर नहीं हो सकता किसी भी कंपनी में, कितने से ज़्यादा, एक कंपनी में नहीं हो सकता, 7 कंपनी से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं बन सकता वो, 10 कंपनी के डायरेक्टर से ज़्यादा नहीं है, 20 कंपनी के डायरेक्टर से ज़्यादा नहीं। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा डी, एक पर्सन एक समय में 20 कंपनियों से ज़्यादा का डायरेक्टर नहीं बन सकता, और अगर वो ज़्यादा का डायरेक्टर है तो उनको उन सारी कंपनियों में से किसी 20 कंपनियों को चुनना होगा, और ये टाइम पीरियड जो है वो 2 माह है, यानी कि 2 महीने के अंदर उसे सेलेक्ट करने होंगे कि कौन सी वो 20 कंपनी में बन रह सकता है। 20 से ज़्यादा वो किसी भी कंपनी में एक टाइम पर नहीं रह सकता डायरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है, विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1988 प्रोवाइड्स फॉर द पनिशमेंट फॉर फेलर टू मेंटेन द रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डिंग। यानी कि आपको ये बताना है कौन सी धारा के अंतर्गत जो डायरेक्टर है उसकी जो शेयर होल्डिंग्स है वो उसको रजिस्टर, शेयर होल्डिंग का जो रजिस्टर है उसको बनाए रखने का में अगर वो विफल होता है या फेल होता है तो किस में उसको पनिशमेंट मिलेगा। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा सी, 307 सेक्शन 307 के अंतर्गत तो उसको पनिशमेंट मिलेगा अगर वो अपने शेयर होल्डिंग्स के रजिस्टर को मेंटेन नहीं करता है तो, ठीक है। नेक्स्ट है, मैक्सिमम मैनेजेरियल रेमुनरेशन परमिसिबल अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एक्ट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट या फिर 8% ऑफ नेट प्रॉफिट। बताइए, देखिए, राइट आंसर हो जाएगा सी, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। मैक्सिमम मैनेजरियल रेमुनरेशन है वो नेट प्रॉफिट का 11% उसका होगा, ठीक है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, डायरेक्टर्स नीड नॉट रिटायर इन पब्लिक एंटरप्राइज, कोऑपरेटिव एंटरप्राइज, पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर डायरेक्टर की रिटायरमेंट की, तो प्राइवेट कंपनी के अंदर उसको रिटायर होना वहाँ पे जरूरी नहीं है, ठीक है, आवश्यक नहीं है, बाकी में उसका एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको रिटायर होना होगा, फिर हम पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक कंपनी या कोऑपरेटिव कंपनी की बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट आर वायोलेटेड द ऑडिटर्स मस्ट रिपोर्ट द सेम टू द। यानी कि ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जिनका अगर वायोलेशन किया जाता है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर को, शेयर होल्डर को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को। देखिए, जब कभी भी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी वायोलेशन किया जाता है तो एक ऑडिटर को इसकी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देनी होगी, ये उसकी ड्यूटी है, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैजुअल वैकेंसी ऑफ अ डायरेक्टर इज फिल्ड बाय द फॉलोइंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज।
बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए फर्स्ट हो जाएगा, अगर कोई भी कैजुअल वैकेंसी होती है डायरेक्टर की तो फिल की जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, ठीक है। ये लोग, इनको राइट होगा कि वो इसके ऊपर कोई भी डिसीजन लें कि हाँ इस पोस्ट पर किसको रखना है। नेक्स्ट है डायरेक्टर्स डिक्लेयर डिविडेंड इन दी, अब जो डायरेक्टर्स हैं वो डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड को किस मीटिंग में, स्टैचुटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। देखिए ये की जाएगी एनुअल जनरल मीटिंग में, और जब भी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाएगी तो 21 डेज पहले इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि हाँ इस पर्टिकुलर डेट पे हम एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप 21 डेज पहले उनको इन्फॉर्मेशन देंगे तो अपने वो सारे अरेंजमेंट्स कर पाएंगे और उस दिन वो उसको ईजिली अटेंड कर पाएंगे। अगर आप सडनली उनको बोलेंगे तो जरूरी नहीं है हर कोई उसको अटेंड कर ले, इसलिए 21 डेज पहले एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाती है और वहां पे डायरेक्टर्स डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, एन इंडिविजुअल, अ फर्म, अ बॉडी कॉर्पोरेट, एनी ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए अब एक इंडिविजुअल ही डायरेक्टर के पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है, किसी फॉर्म कोऑपरेटिव को हम यहाँ पर डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन शेयर्स आज प्रिस्क्राइब्ड बाय, अब ये किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, कभी पढ़े हैं आपने क्वालिफिकेशन शेयर? देखिए क्वालिफिकेशन शेयर जो होते हैं वो डायरेक्टर्स के लिए दिए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि जो भी क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं वो डायरेक्टर जब अपॉइंट होता है तो वो अपनी अपॉइंटमेंट से विद इन 2 मंथ्स के अंदर उन शेयर्स को ले ले, ठीक है। यानी कि उसको 2 महीने के अंदर उन शेयर्स को लेना होता है डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम क्वालिफिकेशन शेयर। नेक्स्ट है आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड इन द एनुअल इन द जनरल मीटिंग इट हैज़ टू बी पेड विद इन, अब अगर डिक्लेयर हो जाता है डिविडेंड जनरल मीटिंग के अंदर तो वो कितने दिन के अंदर पेड हो जाना चाहिए, 60 डेज, 42 डेज, 45 या 90? क्या होगा आंसर? देखिए बी हो जाएगा, अगर कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है जनरल मीटिंग के अंदर तो वो 42 डेज के अंदर उसको पे हो जाना चाहिए, ठीक है, तो अब आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है डिविडेंड आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, अब जो डिविडेंड है वो कैलकुलेट किया जाएगा किस बेसिस पे, कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल या फिर नन ऑफ दीज। बताइए किस बेसिस पे हम डिविडेंड को कैलकुलेट करते हैं? देखिए डिविडेंड हमेशा पे किया जाता है पेड अप कैपिटल पर, यानी कि जितना उन्होंने पेड कर दिया है कैपिटल उसके बेसिस पर, कॉल्ड अप जरूरी नहीं है हर कोई आपको दे दे, या सब्सक्राइब वालों को जरूरी नहीं है जिसने सब्सक्राइब किया सबको, हाँ अगर जिसने पेमेंट कर दिया है सारी कॉल्स का यानी पेड अप कैपिटल पर ही आप डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉल्स इन एडवांस इज शोन सेपरेटली ऑन द फॉलोइंग, अब कॉल्स इन एडवांस जो है वो सेपरेटली कहाँ दिखाया जाता है, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ द पीएनएल अकाउंट या फिर क्रेडिट साइड ऑफ द पीएनएल अकाउंट, बताइए।
क्या हो जाएगा आंसर? देखिए आंसर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए हो जाएगा, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस साइड, क्योंकि ये जो हमारे लिए पे कॉल्स पेड इन एडवांस है ये हमारे लिए लाइबिलिटीज है, क्योंकि उसने एडवांस में पे किया है, जब तक वो टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाता तब तक हम उसे लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन, अब देखिए डिविडेंड जो है वो कहाँ किस पे कैलकुलेट किया जाता है, अब तो आपको बिल्कुल ये याद हो गया होगा, पेपर में भी नहीं भूलोगे, ठीक है, किस पर, पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर पर, ठीक है। नेक्स्ट है या कंपनी पेज डिविडेंड ऑन, अगेन वही है, घुमा फिरा के देखिए कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने डाला है ये ओनली ऑन पेड अप कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल प्रॉफिट्स आर रिलेटेड टू, अब जो कैपिटल प्रॉफिट्स हैं किससे रिलेटेड होते हैं, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, या फिर प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें राइट आंसर की तो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि देखिए ये भी हमारे कैपिटल का पार्ट है, ये भी कैपिटल का पार्ट है, एंड ये भी, ये सब हमारे कैपिटल के पार्ट है, और अगर कैपिटल के ऊपर कोई भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो वो कैपिटल प्रॉफिट में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनी डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विल बी डीम्ड टू हैव बीन read and understood by all those who deal with the company, it is an as per the doctrine of the, किस doctrine के related है, यानी एक ऐसा document जो कि registrar के साथ file के पास यहाँ पे file हुआ है, और जो company के साथ जो भी काम करने वाले लोग हैं सभी के द्वारा पढ़ाया और समझा गया माना जाएगा, यानी कि सबको उसके बारे में पता है। देखिए इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक ऐसा नोटिस होता है जिसमें रजिस्ट्रार को ये दिया जाता है, और इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि कंपनी का जो भी मेंबर है वो सब इस के बारे में, इस नोटिस के बारे में जानता है, ठीक है, सभी को इसके बारे में सारी चीज़ें कंपनी से रिलेटेड पता हैं, ठीक है। अभी हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इंडोर मैनेजमेंट, पब्लिक नोटिस एंड अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। देखिए अगेन आ गया द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेस्ट, क्या प्रोटेस्ट करता है, आउटसाइडर अगेंस्ट कंपनी, कंपनी अगेंस्ट आउटसाइडर, डायरेक्टर्स अगेंस्ट शेयर होल्डर, या एम्प्लॉयज अगेंस्ट मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, ये कंपनी को प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर से, ठीक है, क्योंकि कंपनी को सब चीज़ें पता हैं, तो कोई भी आउटसाइडर जो है वो कंपनी या कंपनी के एम्प्लॉय को किसी भी तरह से पागल नहीं बना सकता, या फिर उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, उनको सारी चीज़ें अपनी कंपनी की पता हैं, तो पहले से वो अवेयर रहेंगे आउटसाइडर से, ठीक है। नेक्स्ट है द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू, अब जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो कौन सी प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देता है, शेयर होल्डर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को, या फिर आउटसाइडर को। बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए जो इंडोर मैनेजमेंट होता है ये हमें बाहर वालों को सुरक्षा देता है, अभी हमने मैंने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव किसको देता है, कंपनी को बाहर वालों से, और ये देता है बाहर वालों को, ठीक है, अपोजिट हो गया, ये देता है आउटसाइडर को प्रोटेक्शन, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी आर गिवन इन द, अब कंपनी के रिगार्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो किस में दिए जाते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम, प्रोस्पेक्टस, या फिर स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस, बताइए।
देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है, इसमें कंपनी के रिगार्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और अगर हम बात करें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो वो आउटसाइडर के लिए होता है, इसमें कंपनी के बारे में, कंपनी की पॉलिसी, कंपनी के मिशन विजन, कंपनी की डिक्लेयर पॉलिसी, इन सब चीज़ के बारे में इसमें मेंशन होता है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट ऑन व्यू ये अलग चीज़ है। इसमें प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में होता है, कंपनी में कौन कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कंपनी में कौन कौन लोग हैं, कंपनी के बारे में पूरी चीज़ दी होती है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें ए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 अ कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ। अब जो 80 सेक्शन के अकॉर्डिंग कंपनी अपने जो प्रेफरेंस शेयर से रिडीम नहीं कर सकती, किस में से बताइए। ऑप्शन देख लीजिए आप ठीक से। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स असेट्स। देखिए इससे कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं कर सकती, जो भी हमारे फिक्स असेट्स की जो सेल प्रोसीड्स हैं उससे हम सिर्फ अपने जो हमारे हम बात करें कैपिटल चीज़ें होती हैं उनसे हम जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनकी हम सारी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, राइट ऑफ कर सकते हैं या फिर यहाँ से सारे खर्चे कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो वो यहाँ से रिडीम नहीं होते हैं। ये हमारी क्या है, पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं, इनसे अंशों का शोधन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अ कंपनी सेक्रेटरी हैज लाइबिलिटी। अब एक कंपनी सेक्रेटरी की किस तरह की लाइबिलिटी होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल होती है, स्टैचुटरी ओनली लीगल या फिर वो सॉरी सिविल और बोथ स्टैचुटरी और कॉन्ट्रेक्चुअल, किस तरह की लायबिलिटी एक कंपनी सेक्रेटरी की होगी। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, एक कंपनी की सेक्रेटरी की लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्चुअल और स्टैचुटरी दोनों होती है। कुछ जो जिस भी कंपनी में वो कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट पर है वहाँ से उसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो लायबिलिटी दी गई होंगी वो उसको वहाँ फॉलो करनी होंगी। ठीक है, और कुछ उसकी स्टैचुटरी होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो कंपनी सेक्रेटरी है तो उसको सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखनी है, भले ही वो उस कंपनी उसने कंपनी ने अपॉइंट किया है वो उसे सैलरी दे रही है लेकिन फिर भी उसको बायस नहीं होना है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल और स्टैचुरी दोनों बेसिस पर काम करती हैं, इसलिए उसकी जो लाइबिलिटी होती है दोनों बेसिस पर चलती है। ठीक है, तो यही थे क्वेश्चंस आज के। होप यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, कुछ क्वेश्चंस तो आप कभी नहीं भूलोगे, और अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप बता दीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट टाइम फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।